हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या राकेश रोशन ने कर दी है क्रिश 4 की हीरोइन फाइनल? कौन बनेगी क्रिश 4 में ऋतिक की हीरोइन? क्या प्रियंका अब नहीं होंगी क्रिश फ्रेंचाइजी का हिस्सा? इन दिनों आने वाली कई बड़ी फिल्मों की चर्चा चल रही है। इन फिल्मों में क्रिश 4 का नाम भी शामिल है। बीते दिनों में क्रिश फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर राकेश रोशन ने फिल्म को लेकर कई खुलासे किए हैं, जिनको सुनकर आप भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। और अगर आप भी मेरी तरह एक्टिंग की दुनिया के फैन हैं, जुड़ना चाहते हैं बॉलीवुड की दुनिया से, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन मौका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश में प्रियंका के साथ काम करने में उन्हें काफी मजा आया, वो काफी मजेदार एक्सपीरियंस था। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि क्रिश 4 में प्रियंका जरूर होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि फिल्म में उनका रोल कितना लंबा होगा। आगे उन्होंने प्रियंका की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो लोग क्रिश में उनके साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि प्रियंका एक इंटरनेशनल स्टार बन जाएंगी, मगर उन्हें ये जरूर लगा था कि वो हमेशा बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन बनकर दिखाएंगी। राकेश रोशन ने क्रिश 4 के लिए प्रियंका के साथ कैटरीना कैफ का भी नाम लिया है, मगर अभी तक क्रिश 4 की स्टार कास्ट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। उम्मीद है कि फिल्म मेकर्स जल्द ही क्रिश 4 की स्टार कास्ट को अनाउंस करेंगे। आपको बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 को दो पार्ट्स में बनाने की सोच रहे हैं, या फिर वो एक साथ दो स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनमें से एक हो सकती है क्रिश 4 और दूसरी क्रिश 5। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग भी एक साथ हो सकती है और एक ही साल के अंतराल में दोनों को रिलीज भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि क्रिश 4 ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होगी और इन धमाकेदार एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करने के लिए कुछ हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की हेल्प ली जा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इस फिल्म के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है फिरदौस खान ने।